देखो कल हमने फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था कि नहीं, कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो आने वाला समय है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे अब कल तुम पढ़ने आओगी तो किस में जाएगा? फ्यूचर टेंस में। ठीक है, रख दो, बैठो चल के, बैठो चल के बाबू। ठीक है, तो क्या फ्यूचर टेंस की कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस है कि नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, के साथ क्रिया के साथ उसमें क्या जुड़ा होता है, गा दी के। समझ में आया कि नहीं? और अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा होगा तो वर्ब के साथ क्या लगा होगा, विल या फिर शैल। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? देखो कल हमने बताया था ना कि कल हम बताएंगे कि विल और शैल में किसके साथ विल लगेगा, किसके साथ शैल लगेगा। अब ये समझो, देखो विल किसके किसके साथ लगता है। जैसे हमने कहा ही, क्या बोला? ही। सी, बोलते जाओ सी। फिर इट, इट। फिर है यू, यू। फिर है दीज, दीज। दोज, दोज। दे, दे। ये सब ऐसी का नाम आ जाए। जैसे अब मोहन पढ़ेगा तो मोहन नाम है कि नहीं, तो नाम के साथ भी क्या लगाएंगे, विल। तो किसके किसके साथ भी, कोई नाम आए, ही आए, सी आए, इट आए, दी जाए, दो जाए, दे आए, यू आए। ठीक है, और भी चाहे जो कुछ है, बस क्या नहीं आना चाहिए, आए और ही। अगर आई और भी आएगा तो उसके साथ हमको सही। ठीक है, अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, क्या बोला, मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले किस किस पर लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? फिर पढ़ना की साइड क्यों लगाते, क्योंकि वर्ब में गागी के जुड़ा हुआ है। अगर गागी के ना जुड़ा होता तो हम सेल ना लगाते। समझ में? जैसे हम खेलेंगे, खेलना में गागी के जुड़ गया तो फ्यूचर में चला गया। फिर सबसे पहले हम किस स्पेलिंग, अभी गागी के किस स्पेलिंग, जो बी के साथ सेल लगाते हैं ना। फिर खेलना की, इसी तरह तुम दौड़ोगे, तुम आया तो तुम किस स्पेलिंग, यू के साथ कहीं सेल लगाएंगे, तो यू विल रन। इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड फॉर्म बताई थी ना, जो डायरेक्ट स्पेलिंग हम याद करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, फिर जब उसका कन्वर्जन करते हैं, बदलते हैं कि रीड से रेड बना, जंप से जंप्ड बना, रन से रैन बना, पर लिखवाया है कि नहीं, वो सेकंड फॉर्म होती है। लेकिन हमको उनको यूज नहीं करना, हमको किनका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का, प्ले का प्ले ही रहेगा, रीड का रीड ही रहेगा, रन का रन ही रहेगा। ईट की स्पेलिंग ईट ही लिखे, ऐट नहीं लिख देंगे। जैसे हमने कहा वहाँ खाएगा, तो वहाँ की स्पेलिंग ही के साथ विल। फिर खाना की ईट, से रिद्धि सोएगी, अब रिद्धि रिद्धि नाम है, रिद्धि अब रिद्धि के साथ क्या लगाएंगे, विल। सोना की स्पेलिंग स्लीप, रिद्धि विल स्लीप। जैसे तुम पढ़ोगे यू विल रीड, तुम लिखोगे यू विल राइट। ठीक है, वे भागेंगे तो दे के साथ क्या लगाएंगे, विल। भागना की रन, रन अवे, रन अवे। ठीक है, इस तरह होता है। समझ में आया कि नहीं? फ्यूचर टेंस ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, डन करो।